जैसे एक इक्वेशन है, एक क्वेश्चन है कि सपोज आपके पास एक स्प्लैश है, स्प्लैश इज हर्ड आफ्टर 2.05 सेकंड आफ्टर द स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल ऑफ डेप्थ 19.6 मीटर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये है, आपने एक स्टोन लिया, एक कुएं वेल है, और वो वेल कितना डेप्थ पे है, 19.6 मीटर डेप्थ पे है। एक कुएं के ऊपर आपने एक क्या रखा, एक स्टोन लिया और उसको ड्रॉप कर दिया। अब हुआ क्या, स्टोन नीचे गया, कितना 19.6, पानी से टकराया, साउंड जनरेट हुई, साउंड ऊपर आई और आपने साउंड को सुना। तो यानी कि दो काम हुए, पत्थर नीचे गया, साउंड ऊपर आई। टोटल टाइम टेकन कितना है, 2.05 सेकेंड। क्लियर है? आपको ये बताना है वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है, राइट? आप पहले मुझे एक चीज बताओ कि अगर आपके पास ये बोला जाए कि ये एक वेल है 19.6 मीटर, तो ये स्टोन नीचे गया, ये देख रहे हो, स्टोन नीचे गया और साउंड ऊपर आई। ये पूरा वेल है, ये पूरा वेल है, इस वेल में स्टोन नीचे गया और साउंड ऊपर आई। तो हम एक काम करते हैं, अपनी जर्नी को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला हिस्सा, स्टोन का नीचे आना। अगर मैं आपसे सिंपली एक क्वेश्चन पूछूं कि स्टोन को आपने क्या किया था, ड्रॉप किया था, हाँ ड्रॉप किया था, यू की वैल्यू क्या थी, जीरो। तो यू की वैल्यू क्या थी, जीरो। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, यू इज इक्वल टू जीरो। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ कितने समय में स्टोन 19.6 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो आपको टाइम बताना है कि स्टोन 19.6 मीटर कितने टाइम में कवर करेगा, राइट? तो मुझे एक चीज बताओ कि जब स्टोन नीचे गिरेगा अंडर ग्रेविटी, तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी स्टोन अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन क्या होती है, -9.8, और जब नीचे गिरता है +9.8। तो आप एक काम करें, स्टोन के लिए लगाएं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। स्टोन ने डिस्टेंस कितना कवर किया, 19.6, तो s की जगह 19.6, इनिशियल वेलोसिटी u की जगह क्या, जीरो, तो u जीरो, एक्सेलरेशन कितनी 9.8 और इंटू टी स्क्वायर। यहां से सिंप्लीफाई किया, हम कर नहीं रहे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सब आगे देखेंगे, लिखने वाला काम अभी दूंगा मैं करने के लिए प्रैक्टिस। तो यहां से अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहां से लेट अस सपोज टाइम कितना आ गया, 2 सेकेंड। आप सिर्फ इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझे, प्रैक्टिस शीट अभी आ रही है थोड़ी देर में। तो स्टोन नीचे कितनी देर में गिरा बताओ, 2 सेकेंड में। आपको साउंड कितनी देर में सुनाई दी, 2.05 सेकेंड में। अब साउंड सुनने में दो चीजें हैं, स्टोन का नीचे गिरना एंड साउंड का ऊपर आना। तो स्टोन नीचे 2 सेकेंड में गिरता है, टोटल नीचे गिरना स्टोन का एंड साउंड का ऊपर आना, टोटल टाइम टेकन 2.05 सेकेंड। तो बोलो साउंड कितनी देर में ऊपर आई, 2.05 में से क्या माइनस करेंगे, 2 सेकेंड, तो 0.05 सेकेंड। तो साउंड की आने का टाइम आ गया 0.05 सेकेंड। कोई डाउट इसमें? अब साउंड कभी एक्सेलरेट करती है, सुने कभी, मैं बोल रहा हूं मेरी स्पीड है अभी 10, फिर धीरे 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 मेरी स्पीड बढ़ती जा रही है। स्पीड बोलने की बढ़ सकती है, अक्षर ज्यादा बोल सकता हूं, ये थोड़ी ना कि हवा में ट्रैवलिंग स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा थोड़ा होता है। साउंड की स्पीड इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, एंड व्हेन साउंड की स्पीड इज कॉन्स्टेंट या कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड इज कॉन्स्टेंट, तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, s इज इक्वल टू vt। तो साउंड के लिए क्या लगा दिया, s इज इक्वल टू vt। अब साउंड ने भी ऊपर आने में कितनी दूरी कवर करनी है, 19.6। वेलोसिटी साउंड की निकालनी है, टाइम साउंड का कितना है, 0.5 नहीं है, गलती से 0.5 लिख दिया, यहां पर क्या आएगा, पॉइंट, करेक्शन कर लेना, 0.05। तो अगर आप इसे और इसे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 392। करना नहीं है पर आपको आइडिया समझ में आया क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो हम 2-3 क्वेश्चन करके पहले लॉजिक और कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि आप सिर्फ देखेंगे कि कैसे इक्वेशन लगानी है, फिर मैं आपको एक शीट दूंगा, अभी आप उसको अभी सॉल्व करेंगे, राइट? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये नहीं करना अभी आपने, ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h। ठीक है, एक टावर है और ये टावर क्या है, इसकी हाइट क्या है, h।
ठीक। अब क्वेश्चन क्या है कि इट टेक्स कैपिटल टी सेकेंड टू रीच दी ग्राउंड, तो वो जो बॉल है वो कितनी देर में नीचे गिरती है कैपिटल टी, कोई डाउट इसमें? ठीक। क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल, पोजीशन का मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पोजीशन मींस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉल ने, कब, जब टाइम टेकन कितना है टी बाय 3 सेकेंड। मतलब अगर बॉल को यहां से गिरा जाए, ड्रॉप किया जाए, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, 0। तो बॉल ने कितनी दूरी कवर की, h, कितनी देर में करी, कैपिटल t। तो h डिस्टेंस कवर किया कैपिटल t टाइम में। क्वेश्चन है कि जब बॉल को फिर गिरा तो t बाय 3 टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये क्वेश्चन है। ठीक। तो पहला पार्ट क्या गिवन है कि बॉल को ड्रॉप किया u इज इक्वल टू 0, वो ग्राउंड के बिल्कुल नीचे गिर गई, कितने समय में गिरी, कैपिटल टी। तो एच डिस्टेंस कितनी देर में कवर हुआ, कैपिटल टी। और क्वेश्चन है टी बाई 3 टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये बताओ। तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, पहले ये बताओ, आंसर तो बाद की बात है, क्वेश्चन क्लियर है, राइट? तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट, पहला केस, मान लो बॉल को यहां से यूज इक्वल टू 0 से हमने घेरा और बॉल बिल्कुल नीचे आ गई, डिस्टेंस कितना कवर किया, h, टाइम टेकन कितना है, कैपिटल t, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, 9.8 या g, एक ही बात है, स्मॉल g या 9.8। तो हम एक काम करते हैं, बॉल को पूरा नीचे गिरते हैं और इक्वेशन अप्लाई करते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s की जगह क्या पुट करेंगे, h, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और इनटू टाइम का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो यहां से h की वैल्यू क्या आ गई, हाफ gt स्क्वायर। यहीं तक रोक लें, वैल्यू तो गिवन नहीं है, वैल्यू तो पुट करने को है ही नहीं, तो यहीं पर रोक दें, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, फिर से सेम इक्वेशन अप्लाई करते हैं, लेकिन इस पार्ट ऑफ जर्नी में बस। तो इस पार्ट ऑफ जर्नी में डिस्टेंस कितना है इसमें, h डैश, टाइम टेकन कितना है इसमें, t बाई 3। तो आप इस पार्ट ऑफ जर्नी में अप्लाई कर सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अगर इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो फिर से एक बार s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन इस बार हाइट की जगह h डैश, इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन टाइम की जगह कितना, t नहीं, टाइम की जगह t बाय 3। क्या स्टेप क्लियर है, क्योंकि पहले हाइट क्या थी, h, अब हाइट क्या है, h डैश, h हाइट में टाइम क्या था, t, h डैश में कितना है, t बाय 3। तो ये स्टेप क्लियर है यहां तक। t बाय 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, t स्क्वायर बाय 9, t स्क्वायर बाय 9। क्लियर है? तो चेक करो, हाफ जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, 9 को अलग लिख लिया और यहां पे क्या आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी, h, तो रिप्लेस करो इस पूरे की जगह क्या जाएगा, h, तो आंसर क्या आ गया, एच डैच इज इक्वल टू एच बाय 9। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो आपको जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में हो सकता है h बाय 9 आंसर ना मिले, क्योंकि हमने ये h डैश कहां से निकाला है, टॉप से निकाला है। हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन पूछे कि मेरे को तो डिस्टेंस ग्राउंड से पूछना था, तो अगर यही डिस्टेंस ग्राउंड से निकालना है, यही डिस्टेंस ग्राउंड से निकालना है, तो बोलो क्या होगा, ये अगर h बाय 9 है, ये h है, तो h माइनस h बाय 9, तो ये आंसर क्या आएगा, h बाय 9। ये देखना पड़ेगा कि अगर डिस्टेंस ऊपर से निकालना है फिर तो h बाय 9, अगर ग्राउंड से निकालना है तो h माइनस h बाय 9। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये नहीं अभी करना, ये अगले लेक्चर में करेंगे हम। ओके, इस क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का, मोशन का जल्दी बिल्कुल नहीं पढ़ना। बहुत लोगों को जल्दी लगे क्वेश्चन पढ़ू फटाफट आंसर निकालू, मत करना, स्लो पढ़ लेना, लेकिन उसका साथ साथ डायग्राम जरूर बना लेना। तो जब भी क्वेश्चन आएगा उसका, तो आपने देखा होगा मैं हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाता ही बनाता हूँ, जबकि रिक्वायर्ड नहीं है, मैं फिर भी बनाता हूँ। वो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि डायग्राम में जब सारी मार्किंग होती है तो मुझे बार बार क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं है, मैं डायग्राम से समझ जाता हूँ मुझे क्या गिवन है, मुझे क्या निकालना है। अब इसके अंदर क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हेन स्पीड ऑफ कार इज वी, कार बनाई मैंने, इसकी स्पीड वी, द मिनिमम डिस्टेंस ओवर विच इट कैन बी स्टॉप्ड इज एस, स्टॉप का मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, रोकना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है उसका, एस। कोई डाउट इसमें? केस नंबर 1 क्लोज। नेक्स्ट,
इफ स्पीड इज एन वी, तो वी की जगह स्पीड कितनी कर दी, एन इंटू वी। तो वो कह रहे हैं कि बताओ द मिनिमम डिस्टेंस ओवर विच इट कैन बी स्टॉप्ड ड्यूरिंग सेम टाइम इज व्हाट, तो आपको इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है। अगर स्पीड वी है तो डिस्टेंस एस है, अगर स्पीड एन इंटू वी है तो बोलता है डिस्टेंस कितना होगा कि कार को रोका जा सके। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले आपको एस गिवन एस डैश निकालना है, तो आपको इसमें यह समझ में आ रहा है कि स्पीड स्लो हो रही है, दोनों केस में स्पीड रुक रही है ना कार, तो स्पीड क्या हो रही है, स्लो हो रही है। तो समझ में आता है कि इसमें रिटार्डेशन है, इसमें रिटार्डेशन होगी, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन दोनों में रिटार्डेशन सेम होगी, क्यों गिवन तो नहीं है, मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ दोनों में सेम है। मैंने पूछा क्यों, तो आप बोले सर आप ही ने बोला गिवन नहीं है, तो मैं भी सेम ले लेता हूँ। कार तो वही है, कार में ब्रेकिंग सिस्टम तो वही है, अंदर ब्रेक्स जो लगी हुई हैं वो तो सेम ही है। जब आप ब्रेकें दबाओगे तो पहले केस में वही ब्रेक दबेगी, दूसरे में भी वही ब्रेक दबेगी, तो जो अपोजिंग फोर्स है दोनों में क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम, तो रिटार्डेशन भी क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम। पर ये भी लॉजिक ठीक है, जब गिवन ही नहीं दो रिटार्डेशन तो दो क्यों लेंगे, फिर एक ही लेंगे, कार तो सेम ही है, तो माइनस ए दोनों में क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम। तो इक्वेशन नंबर वन, वी गिवन है, यू गिवन है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी और ये एस, तो इक्वेशन अप्लाई करें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी वी स्क्वायर, तो जीरो स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज टू इंटू रिटार्डेशन की जगह माइनस ए इंटू स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने एस। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, चेक करो, राइट। इक्वेशन नंबर टू बनाए यहां से, फिर से एक बार v square minus u square 2as, final velocity 0, initial velocity nv का square, retardation कितनी minus a into s dash, s नहीं इस बार s dash, clear है। दो equations हैं, दोनों को solve करके आपको s dash निकालना है। सबसे best तरीका बताऊं, इनको divide कर दो, ये equation number 2 है, ये equation number 1 है, इसको इससे divide कर दो, ये ऊपर रखना ये नीचे रखना, कैसे, जो नीचे वाली इक्वेशन है उसका लेफ्ट हैंड साइड ये दिख रहा है, ये जीरो ही है, छोड़ दो इसे, ये दिख रहा है, तो दिस अपॉन दिस देख रहे हो ये, और इसका राइट हैंड साइड ये रहा, ये देखो इसका राइट हैंड साइड ये रहा, इनको क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। फायदा ये, माइनस 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 कैंसल, टू से टू कैंसल, ए से ए कैंसल, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसल, क्या बचा, एस डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एस, आंसर। तो एस डैश की वैल्यू क्या आएगी, एन स्क्वायर इंटू एस आएगी, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचने आपने। अब क्वेश्चन वही है, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी इक्वेशन लगानी है, v इज यू प्लस ए टी या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस या एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका आंसर ये होगा, मैं आपको क्लास में कम से कम मोशन के 50 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, 50 न्यूमेरिकल्स, तो आपके सोए हुए सेल्स भी जाग जाएंगे और बता पाएंगे कि अब कौन सी क्वेश्चन लगेगी। इतने क्वेश्चन के बाद तो यार कोई भी बोल पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन लगेगी, दो चार में पता भी लगेगा क्या हुआ। तो आज के आज ही हम कम से कम नहीं तो 15-20 तो आज ही खत्म कर देंगे, 15-20 आज कर देंगे, कम से कम 20 से 25 प्लस न्यूमेरिकल तो अगली बार खत्म है, दो लेक्चर में 50 न्यूमेरिकल है, और उसका अगला लेक्चर और 25 लगा लो, 75 क्रॉस तो होने ही होने हैं, पक्की बात है। तो बताओ, पता ही लगेगा v u + a t लगेगा कि s u t + half इसको लगेगा, 75 न्यूमेरिकल बहुत होते हैं तीन लेक्चर में, वो भी कुछ घर जाके भी तो पढ़ोगे कि सारे ये मिर्सी करवा लोगे, 25-20 तो घर जाके भी पढ़ोगे, तो बस हो गया बस। तो 100 क्वेश्चन करने के बाद तो पता लग ही जाएगा। बेस बिल्डिंग है ये, मोशन में, प्रोजेक्टाइल में, वेक्टर में आराम से टाइम लगाएंगे, ये बेस बिल्डिंग है। जितने स्ट्रॉन्ग ये तीनों चैप्टर्स होंगे आपकी फिजिक्स उतनी ही बढ़िया चलती जाएगी। तो आराम से आप जो मैं होमवर्क दूंगा उसको अच्छे से आपने करके आना है, बस ये याद रखना, होमवर्क नहीं करके आएंगे तो नहीं पता लगेगा, ये भी नेक्स्ट टाइम करेंगे, कैलकुलस वाला सारा काम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये कर लेते हैं, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो एंड मूव विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, ए कॉन्स्टेंट है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक किया था nth वाला, एस nth, ठीक, जो नहीं किया अभी समझ में नहीं आएगा, तो एस nth एंड डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स,
तो मुझे एक बात बताओ, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इन एन सेकेंड्स क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर टाइम की जगह एन सेकेंड, तो टाइम की जगह टी पुट कर देंगे। और एस एन एथ का फॉर्मूला क्या करवाया था, यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, यहाँ पर यू की जगह जीरो, इन दोनों को क्या कर लेना है, डिवाइड। तो रेशियो आ गई एस एन एथ और एस एन की, क्या कैंसिल होगा, ए से ए, टू से टू कैंसिल, यहाँ तक छोड़ दो तो भी चलेगा। अब मैथ्स का रिजल्ट है, एन स्क्वायर को इससे और इससे डिवाइड करोगे तो भी चलेगा। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा, तो इसको इससे डिवाइड और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो ये जिन लोगों ने एस एन एथ किया है उनको समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद हम जो अब क्वेश्चन करेंगे वो ये करेंगे, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव शीट नंबर है 3 आपके पास, आपको डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 एक बार रीड करें, सोचें इसमें क्या स्ट्रैटेजी लगेगी। ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ट्रेन की स्पीड बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, तो कौन सी क्वेश्चन लगेगी, एस इज इक्वल टू वी टी, राइट। अब आगे एक ब्रिज है, ब्रिज कितना है, 1000 मीटर लॉन्ग ब्रिज है, ट्रेन को इसके ऊपर से पास करना है, कितने समय में पास करेगी ट्रेन ये बताओ, ये क्वेश्चन है, राइट। आप एक मिनट मुझे इस चीज का आंसर दो, ये ब्लैक कलर का ब्रिज है और ये ट्रेन है, ये 1000 मीटर लॉन्ग है, ये ट्रेन है 110 मीटर लॉन्ग। अब ध्यान से, ट्रेन आई, ट्रेन का इंजन आया, टाइम निकालना है। अब आपके हाथ में इमेजिन करो स्टॉप वॉच है, आप जैसे इंजन इसके ऊपर आया आपने स्टॉप वॉच को क्या किया, ऑन कर लिया, तो स्टॉप वॉच ऑन कर लिया, टाइम चल रहा है, ट्रेन क्रॉस कर रही है, टाइम नोट करोगे, टाइम नोट करो, टाइम नोट करो, टाइम नोट करो, टाइम नोट करो, ये लो, अब टाइम खत्म, ट्रेन पूरी पास कर गई, समय पूरा खत्म हो गया, क्लियर है यहां तक? इमेजिन किया ये केस, ऐसी होगा सिचुएशन, यानी कि इंजन का इसके ऊपर आना, लास्ट बोगी का इस पे जाना, इंजन का इसके ऊपर आना टाइम स्टार्ट, लास्ट बोगी का क्रॉस करना टाइम क्लोज, ऐसे ही होगा, राइट। अब दूसरा केस इमेजिन करो, सपोज ये अब मान लो कोई पेन है, इस पेन को ब्रिज में से पास करवाना है, पेन की जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल ही है, पतला सा पेन है ऐसे, तो मतलब ऐसे नहीं, इसकी विड्थ लंबाई में जो मर्जी हो, चलो इसकी जगह कुछ और बॉडी ले लेते हैं और आसान हो जाएगा आपके लिए, जैसे जैसे सपोज कोई भी एक बॉडी है जो बहुत छोटी इन साइज है, राइट, इसको भी क्रॉस करना है ब्रिज को, तो जब ये छोट इसकी विड्थ तो है ही ना, ट्रेन 110 मीटर लंबी ट्रेन है, इसकी तो ना के बराबर ही है, तो जैसे इसके ऊपर चढ़ेगी टाइम स्टार्ट, जैसे एंड पे आएगी टाइम क्लोज, तो जब इसका इसका टाइम पूछा जाएगा तो ये बताओ कि आप डिस्टेंस क्या लोगे इसमें, 1000 मीटर, क्योंकि इस बॉडी ने 1000 मीटर कवर की है, अपॉन इसकी वेलोसिटी, तो क्या आ जाएगा इसका टाइम आ जाएगा, कोई डाउट इसमें? लेकिन जब ट्रेन की बात हो रही है, ट्रेन कोई छोटी बॉडी नहीं है, ट्रेन एक बड़ी बॉडी है, तो जब तक ट्रेन निकलेगी नहीं ब्रिज के ऊपर से तब तक आपकी घड़ी चलती रहेगी। अगर आप मुझे ये कहो कि सर आपको जो है पूरी की पूरी ट्रेन क्रॉस करवानी है, तो लो इंजन बाहर आ गया, नहीं मैं कहूँगा अभी घड़ी बंद नहीं करूँगा, मैं अभी तो घड़ी चला के रखूँगा, पहले पूरी ट्रेन बाहर निकाल,
तो यानी कि कितनी लेंथ बाहर निकाल, 110 मीटर और बाहर निकाल। तो हजार तो तूने जो कवर किया वो तो किया ही किया तेरे इंजन ने, इंजन ने हजार तो कवर किया ही किया, इंजन ने 110 और कवर किया, तब जाके घड़ी बंद होगी टाइम की। क्लियर है यहां तक? तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो टोटल डिस्टेंस लेना है आपको वो क्या लेना है, 1000 नहीं लेना, 1000 में क्या ऐड करना है, 110 भी ऐड करना है। अगर ट्रेन का साइज ना होता, छोटा सा ऑब्जेक्ट होता, फिर डिस्टेंस ऐड ही ना होता, 1000 हो जाता। पर जब तक वो जो इंजन है वो एंटर तो कर गया था, उस इंजन ने 1000 मीटर तो ब्रिज का कवर किया, फिर वो 110 तब तक क्रॉस करता रहेगा जब तक उसकी आखिरी बोगी क्रॉस नहीं करेगी। तो टोटल डिस्टेंस इंजन ने कितना कवर किया, एक तो ब्रिज को कवर किया 1000 मीटर और 110 आगे भी कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा इसमें, 1000 और 110 जो कि क्या आएगा, 1110 मीटर। और इसकी स्पीड क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, 45 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000, और आर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। इसको सॉल्व करके निकाल लोगे मीटर पर सेकंड, तो आपको वेलोसिटी पता लग गई, कन्वर्ट कर लेना मीटर पर सेकंड में, आपको इसमें डिस्टेंस पता लग गया, आपको क्या निकालना है, टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टाइम आएगा आंसर। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया राइट? कैलकुलेशन वाला पार्ट अभी हम करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है, जब होमवर्क दूंगा तो उसमें सारा करके आना है आपने राइट? तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस ठीक, यस ठीक। अब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है ठीक, वो क्या, ये मैं गूगल ड्राइव पे शेयर करूंगा सारा ठीक है, ये कॉपी आपको पहुंच जाएगी, आप आराम से इसको देख लेना। टू बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली ए वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 20 एंड बी डाउनवर्ड्स नीचे फ्रॉम हाइट ऑफ 40 मीटर विद सेम स्पीड एंड अलोंग द सेम लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन मतलब एक ही लाइन में ऐसे ही, देखो ऐसे, तो ऑब्वियसली एक लाइन में होंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, इनकी टक्कर हो जाएगी, एक लाइन में टक्कर हो जाएगी इनकी। तो क्वेश्चन यही तो है, ए बॉल से इनकी टक्कर कहां पे हुई ये बताओ। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूंगा पहले, फिर आप मुझे इसका, मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा उसमें आप ट्राई करना राइट। तो मैं ये मान रहा हूं इस क्वेश्चन में गिवन है कि दो बॉल्स हैं, दो बॉल्स को साइमल्टेनियसली फेंका जा रहा है, एक नीचे और एक ऊपर अलोंग द सेम लाइन। तो ये देखो, एक बॉल ए है, एक बॉल बी है, बी कहाँ गिर रही है, नीचे, ए कहाँ गिर रही है, ऊपर राइट। क्लियर है, सेम लाइन में। जैसी दोनों बॉल चली, आपके हाथ में स्टॉप वॉच है, चलो स्टार्ट स्टॉप, घड़ी में टाइम मान लो 2 सेकंड है, उस 2 सेकंड में मान लो यहां टक्कर होती है, उस 2 सेकंड में इस बॉल ने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो इस बॉल ने इतना डिस्टेंस कवर किया। मेरे कहने का मतलब टाइम टेकन दोनों बॉल्स का रहेगा एग्जैक्टली सेम, टाइम तो एक ही है ना, मतलब आपने जैसे मान लो टोटल डिस्टेंस 40 मीटर है और इनकी कोलिजन कहां पर होती है, एक्स डिस्टेंस पे होती है, तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया एक्स, तो बी ने कितना कवर किया 40 माइनस एक्स, मानते हो इस चीज को, टोटल डिस्टेंस अगर 40 है और एक ने एक्स किया तो उसने 40 माइनस एक्स। तो इनका जब ये चली थी तो मैंने क्या बताया, इनकी टक्कर हो गई, मान लो टी टाइम में टक्कर हुई, तो टी टाइम में पहली ए बॉल ने कितनी दूरी कवर की एक्स, और टी टाइम में दूसरी बॉल ने कितनी दूरी कवर की 40 माइनस एक्स। टाइम की वैल्यू दोनों के लिए एग्जैक्टली क्या होगी, सेम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा ये बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो बॉल बी से नीचे गिरेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके लिए प्लस 9.8, वो नीचे गिर रही है, और ए बॉल अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस 9.8। क्या ये पॉइंट क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक? अब आपके क्वेश्चन में ये गिवन है कि दो बॉल्स को घेरा, ए वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 20 एंड बी डाउनवर्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर विद द सेम स्पीड, उसने कहा विद द सेम स्पीड, तो मुझे लेना चाहिए था 20, तो ये भी 20, मैंने क्या ले लिया 0। एक काम करते हैं, आप कुछ मत करना, मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि जब ए बॉल को तो ऊपर फेंका गया विद द स्पीड ऑफ 20 और बी बॉल को मैंने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप का मतलब उसकी वेलोसिटी क्या रखी, 0,
हालांकि ये क्वेश्चन नहीं है, मैंने अपना क्वेश्चन बना दिया, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर आप मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना, जब जीरो की जगह स्पीड क्या लेनी पड़ेगी आपको 20। समझ में आ रहा है क्या करना है आपने? पहले आपने ध्यान से मेरा सोल्यूशन देखना है कि जब ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है, बस आपने कुछ नहीं करना, जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें जीरो की जगह क्या पुट करेंगे, वेलोसिटी 20। करें स्टार्ट। तो मान लो मेरे अजम्पशन में ए बॉल को ऊपर फेंकने विद द स्पीड ऑफ 20 और बी बॉल को मैंने ड्रॉप किया, टोटल दूरी उनके बीच में कितनी है 40, तो ये कितना है x, तो ये कितना है 40 - x। क्लियर है यहां तक? जो ए बॉल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है -9.8, टाइम टेकन यहां से यहां कितना है टी, और डिस्टेंस ट्रेवल कितना है एक्स। तो आप ऐसा कर सकते हो, इसमें लगा सकते हो ए बॉडी के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ए बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया x, तो x वेलोसिटी इनिशियल कितनी है 20 और टाइम टेकन यहां से यहां आने में t, तो क्या आएगा 20t ut 20t प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन की जगह -9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर वन यहां तक क्लियर है, बना दी इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर टू, इस बॉल के लिए, ऊपर वाली बॉल के लिए, ऊपर वाली बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है बोलो 0, डिस्टेंस क्या है 40 - x, तो बी बॉल के लिए 40 - x, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, हाफ एक्सेलरेशन कितनी 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। क्लियर है इक्वेशन नंबर टू? तो एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर वन फर्स्ट बॉल के लिए और सेकेंड बॉल के लिए इक्वेशन नंबर टू, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखो। ये मैंने इक्वेशन नंबर वन को लिखा, ये टू लिखा, एक के नीचे एक लिख दिया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये पूरी की पूरी टर्म, जब इसमें ये ऐड होगा, इस पूरी में ये ऐड होगा, ये पूरी की पूरी टर्म इससे क्या हो गई कैंसिल, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, मतलब दोनों के राइट हैंड साइड ऐड होंगे और दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड होंगे, तो ये कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में x से x भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा ये कैंसिल, तो ये क्या बचा 40, ये दोनों कैंसिल, तो ये क्या बचा 20t, तो क्या आया मेरे पास 40 = 20t, तो t की वैल्यू कितनी आई 2 सेकेंड, तो इनकी टक्कर कितनी देर में होगी 2 सेकेंड। अब आपको तो x निकालना था, तो आप एक काम करो, टाइम को यहां यहां पुट कर दो, या फिर यहां और यहां यहां पुट कर दो, एक ही बात है, किसी भी इक्वेशन में टाइम को पुट कर दो, जैसे कि मैंने अपनी, मैंने यहां पुट कर दिया या मैंने यहां पुट कर दिया, चलो, तो जब मैंने टाइम को यहां या यहां जहां मर्जी पुट कर देना, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो वहां से सॉल्व करके क्या आएगा एक्स आएगा। ये टेक्निक है। अब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, सेम क्वेश्चन है जो आपको ऑब्जेक्टिव गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपने वेलोसिटी जीरो नहीं लेनी, उसने कहा वेलोसिटी ए और बी की एग्जैक्टली सेम है। अब आप अपनी इक्वेशन बनाओ, अप्लाई करो फर्स्ट और सेकंड बॉल के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और आंसर मैच करो, क्या आंसर आ रहा है? एक्सेलरेशन नीचे गिरती हुई बॉडी की +9.8, ऊपर की -9.8। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन बताओ क्या बनेगी, इधर देखो,
पहली इक्वेशन बी के लिए बना लें, बी के लिए डिस्टेंस कितना है 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 20 टी प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बनानी सबने इक्वेशन ही वाली, राइट ठीक है ठीक। नीचे वाली बॉल के लिए एक्स इज इक्वल टू 20 टी फिर से, लेकिन यहां पर क्या आएगा हाफ इंटू माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? बाकी सब कुछ सेम है, बस एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, क्लियर है? सेकंड बॉल के लिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ए की जगह माइनस 9.8। कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है। अब अगर हम इन्हें ऐड करें, ये लो, अगर हम इन्हें ऐड करें तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई? कैंसल। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? 40 माइनस एक्स प्लस एक्स, और राइट पे क्या आएगा? 20 टी प्लस 20 टी, क्लियर है? तो यहां से एक्स से एक्स भी कैंसल, तो 40 इज इक्वल टू कितना 40 टी। तो बोलो टाइम क्या आ गया? 1। क्या स्टेप क्लियर है? कितने लोगों को आ गया टाइम? टाइम आ गया, समझ में आ रहा है? अब आपने कुछ नहीं करना, कोई एक इक्वेशन पकड़ लो, मान लो ये पकड़ लो, इस इक्वेशन में टाइम को क्या पुट करो? 1। एक्स निकालो क्या होगा? नीट डी आ रहा है 15.1। ओके डन, समझ में आ रहा है यहां तक? 15.1 चेक करो, टाइम को 1 पुट करो किसी भी इक्वेशन में 15. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट करना है, समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? ओके क्या ये पॉइंट क्लियर है? सबका आंसर आ गया 15.1, राइट। अब इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन करो, ये लो पढ़ो, डायग्राम बनाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो।
देखो देखो देखो, इस क्वेश्चन के अंदर प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स, कहां फेंकता है? ऊपर, विद इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4। तो ये क्लियर है यहां तक? 29.4 क्लियर है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल इन वर्टिकल डायरेक्शन? तो आपको मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा। तो मुझे ये बताओ कि जब बॉल को ऊपर फेंकेंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो आपको क्या निकालना है? आपको इसमें एस निकालना है। हाँ तो अप्लाई करो ना, क्या इक्वेशन अप्लाई करोगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, और a को माइनस 9.8। बिल्कुल सही, क्लियर है यहां तक? ठीक, चेक करें, ये देखो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, तो v स्क्वायर में 0 स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 29.4 है, और एक्सेलरेशन माइनस 9.8 है। इसे सॉल्व करें प्लीज, ये काफी बड़ी कैलकुलेशन है, इसमें स्क्वायर करके इससे डिवाइड करेंगे तो यहां से क्या आएगा? s कितना आ रहा है? 44.1 मीटर। कोई डाउट इसमें? ठीक है, कितनों का आ गया? राइट। अब इसी क्वेश्चन में आपको निकालना है, ये बॉल आपके हाथ से ऊपर जाएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगी, और फिर आपके हाथ में वापस भी आएगी। टोटल टाइम कितना लिया इस बॉल ने हाथ में आने में? ये क्या, 6 सेकंड। देखो आया 6 सेकंड कैसे? आप ऐसा इकट्ठा 6 नहीं आएगा। पहले काम करो, आप सिर्फ ऊपर जाने जाने का टाइम निकालो, जाने जाने का 3 सेकंड आना चाहिए, चेक करो। तो आप क्या करेंगे इसमें, यहां से यहां जर्नी में अप्लाई करें v इज इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 29.4, एक्सेलरेशन की जगह माइनस 9.8, और इनटू कितना? t, तो t की वैल्यू आएगी 29.4 डिवाइडेड बाय 9.8। तो यहां से t सॉल्व करके कितने सेकंड आ रहा है? ना जी ना, 3 आ रहा है, 6 तो दूसरी बारी में आएगा, 3 सेकंड आएगा अभी। तो ये अभी टाइम आया सिर्फ ऊपर जाने का टाइम, फिर आपके हाथ में बॉल वापस भी आएगी। एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट ये है, जितना टाइम बॉल ऊपर जाने में लगाती है बिल्कुल उतना ही टाइम वो आपके हाथ में वापस आने में लगाती है। तो 3 सेकंड प्लस 3 सेकंड, 6 सेकंड। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? तो 3 और 3 6 सेकंड क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, तो अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, ऊपर जाने का टाइम आ गया ये बता दो। अगर मैथमेटिकल कैलकुलेट करना है, एक काम करो, नीचे आने का टाइम अलग से निकाल लेते हैं। अब नीचे आने के लिए, नीचे आने के लिए एस आप कैलकुलेट कर चुके हो 44.1 मीटर, तो नीचे आने के लिए अप्लाई करो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर, एस की जगह क्या? 44.1, इनिशियल वेलोसिटी क्या? 0, हाफ, एक्सेलेरेशन कितनी? 9.8 इंटू टी स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर पक्का क्या आएगा? 3 ही आएगा। पर क्यों करोगे आप? तो सीधे ही कर दोगे, जाने का टाइम 3, आने का टाइम 3, टोटल टाइम 6। पर वैसे बता रहा हूँ, अगर करना पड़ जाए तो ऐसा कर सकते हैं। मैंने सॉल्व नहीं किया आंसर, लेकिन 3 ही आएगा, तो हम भी सॉल्व नहीं करेंगे, 3 ही लिखेंगे, क्योंकि अब जर्नी नीचे की है। अब बॉल को नीचे आना है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? 0, तो उसकी अब इनिशियल क्या हो जाएगी? 0। ऊपर जाते हुए इनिशियल ये हो जाएगी, नीचे आते हुए इनिशियल 0 हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? पढ़ने की अप्रोच वैसी ही रखना, टोटल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये यू गिवन है, ये मुझे वी गिवन है, फिर आगे मैं पेपर में अपने आप कर लूँगा सॉल्व। ऐसे मत करना कि जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वैसी करनी है, अपना दिमाग लगाना। क्लियर है? हाँ, आप कोई और इक्वेशन भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मेरी इक्वेशन अप्लाई करो, कोई इक्वेशन अप्लाई करो आंसर सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को एक बार करो, फोर्थ क्वेश्चन।
अ स्टोन आफ्टर फॉलिंग फ्रीली फॉर 1 सेकेंड. ये लो स्टोन को मैंने डायग्राम के बिना तो देखो मैं क्वेश्चन करता ही नहीं ना. स्टोन आफ्टर फॉलिंग फ्रीली फॉर 1 सेकेंड. देखो डायग्राम देखो प्लीज. ये सही है. स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी बोलो क्या, जीरो. स्टोन नीचे गिर रहा है. स्टोन नीचे गिरते 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 ग्लास को ब्रेक करता है. जब ग्लास को ब्रेक करता है तो किसी वेलोसिटी से ब्रेक करता है. ये वेलोसिटी निकाल लूंगा थोड़ी देर में अभी मैं. जब फ्री फॉल में स्टोन आएगा तो एक्सीलरेशन क्या होगी, 9.8. क्या केस क्लियर है? तो जो भी यहाँ वेलोसिटी निकलेगी ग्लास ब्रेक करते ही उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आधी. तो अगर ये वी है तो क्या हो जाएगा, वी बाई टू. फिर ग्लास, फिर ये स्टोन तोड़ते हुए ग्लास को नीचे गिरता है 2 सेकेंड. तो आपको बताना है कि उसना कितना उसने डिस्टेंस कवर किया इन नेक्स्ट 2 सेकेंड. वी नहीं, एस निकालना है. ग्लास हॉरिजॉन्टली है, शीशा लेके आप और मैं ऐसे खड़े थे, पत्थर वर्टिकल आया, हॉरिजॉन्टल ग्लास को तोड़ गया ऐसे. क्लियर है यहां तक? एक काम करें, पहले ये वेलोसिटी निकाल लें. जब ग्लास को हिट किया था तो वेलोसिटी निकाल लें. ये लो, एक काम करो, टी 1 सेकेंड तक स्टोन नीचे आता है, ग्लास को तोड़ता है, राइट? ध्यान आगे प्लीज, ये देखो, आगे देखो. इस पार्ट ऑफ जर्नी के लिए अप्लाई करो v इज इक्वल टू यू प्लस 80. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या, जीरो. फाइनल वेलोसिटी क्या, v निकालनी है, v निकालनी है. टाइम क्या, 1. एक्सीलरेशन क्या, 9.8. अप्लाई करो v इज इक्वल टू यू प्लस 80. तो इनिशियल 0, एक्सीलरेशन 9.8, टाइम 1. आंसर क्या आएगा, 9.8. कोई डाउट इसमें? तो आपके पास जब वो स्टोन हिट करेगा ग्लास को तो वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी हिट करेगा 9.8. कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? अब ग्लास टूट गया, टूटते ही वेलोसिटी बोलो कितनी होगी, 9.8 का आधा कितना, 4.9, राइट? तो अगली पार्ट ऑफ जर्नी स्टार्ट. अगली पार्ट ऑफ जर्नी में यहां पे, यहां ऐसे करेंगे, अगली पार्ट ऑफ जर्नी में आपको एस निकालना है, एस निकालना है. तो अब वेलोसिटी क्या लेंगे, 4.9 लेंगे. क्या स्टेप क्लियर है? 9.8 से इसने तोड़ा था, 4.9 होगी वेलोसिटी. अब ये फिर हवा में आ गया तो हवा में एक्सेलेरेशन क्या होती है, ग्रेविटी के साथ 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. तब आप अप्लाई करो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर. तो एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, 4.9. ये समझ में आ रहा है? इस पार्ट ऑफ जर्नी में दिस विल बिकम इनिशियल वेलोसिटी 4.9 इंटू टाइम की जगह क्या, 2 सेकेंड, क्योंकि स्टोर ने और कितना गिरना है, 2 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर. कर लो कैलकुलेशन, आंसर मैं करो. सही, समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक. आप अगर इसके नोट्स तैयार करोगे ना, चलो बंदा सोच मैं नोट्स तैयार कर लूं, मैं लिख रहा हूं ऑब्जेक्टिव. मेरी अनसोल्ड शीट्स अगर आप पूरे साल में प्लस वन में देखोगे ना, अगर मैं बुकलेट की फॉर्म में दूं तो इतनी मोटी बुकलेट है, अभी 2 शीट्स हुई हैं, इतने पेजेस होंगे प्लस वन में ऑब्जेक्टिव्स करने वाले. ठीक. तो अगर आप इसके सॉल्यूशन लिखोगे तो ये तो अनसॉल्वड है. तो सोचो जब ऐसी शीटें इकट्ठी होंगी तो आप, मैं इसके प्रिंटआउट दे नहीं सकता, इतनी किताबें, 10 किताबें और तैयार हो जाएंगी. तो आपको मैं क्या समझा रहा हूँ, ये तो गूगल ड्राइव में मिल जाएगी आपको. अब सब छोड़ दो, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि आपने कॉन्सेप्ट लगाना कैसे, ये बहुत जरूरी है. अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पा रहे फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर आप फिर कैसे करोगे, फिर आप सिर्फ एनसीईआरटी सीबीएसई लेवल कर पाओगे. स्कूल लेवल क्रॉस करना प्रॉब्लम है ही नहीं. स्कूल में क्या आएगा, प्रूव दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर बाय कैलकुलस मेथड. बस 25% याद करने वाला पोर्शन है, 25% याद करो, 33 नंबर आ जाएंगे, पास हो गया स्कूल, इतने ही आएंगे. लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हो, स्कूल के अंदर भी 90% और मेंस के अंदर भी एनसीईआरटी का पेपर ही आता है. ये अपने वहम निकाल दो कि पता नहीं मेंस की क्या तैयारी है, कोई तैयारी नहीं, एनसीईआरटी एंड थोड़ा सा अबव. बस फर्क ये है कि सीबीएसई स्कूल के अंदर थ्योरी भी आती है प्रूव करने को, मेंस या नीट में सिर्फ न्यूमेरिकल आता है. अगर आप बेसिक एनसीईआरटी भी सही कर दो, गारंटी कह रहा हूं आपका पेपर क्लियर ही क्लियर है, राइट? अगर आप कोई बुक लेना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए, क्या आप देखना चाहते हो, वैसे तो आपके पास अभी तो यही मैं रिकमेंड कर नहीं रहा, पहले देखना चाह रहा हूँ आप कितना की होमवर्क कर रहे हो ताकि प्रेशर ना बढ़ जाए. वैसे एक बुक आती है, एस एल अरोड़ा की बुक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, बढ़िया बुक है वो.
वो बुक के अंदर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे सॉल्व एंड अनसॉल्व. तो अगर आप थोरो वो भी कर लो ना, ना तो आप स्कूल में 90% से नीचे लेके आओगे उसमें से, वो करने के बाद पक्का 90 टपेंगे और आपका कंपटीशन भी कहीं नहीं गया, नीट और मेंस उससे भी हो जाएगा. ये शीट्स में से पहले तो ये 11 किताबें लिख रखी है मैंने, इसी में से आ जाएगा पेपर आपका, बहुत सारा पेपर इन बुकलेट में से आएगा ही आएगा, 100% डायरेक्ट आएगा, ये भी बता दिया मैंने आपको. ठीक, प्रोवाइडेड आप 11 किताबें रिटेन कर लो, याद तो कर नहीं सकते, समझनी पड़ेंगी. राइट, तो समझ में आ रहा है, आपने अप्रोच अंडरस्टैंडिंग ही रखनी है, याद करने की बिल्कुल नहीं रखनी. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कहाँ लगाऊं, नीचे वेलोसिटी वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू ए एस, एस क्या है, एस है ही नहीं. ठीक, और ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया, देखते हैं किसका सही होता है. वही दो बॉल टक्कर होती हैं जब 40 और 40 माइनस एक्स वाला, इसमें 60 और 60 माइनस एक्स है, करो ट्राई, अभी भी किया हमने. है. अगर उसने लिख दिया ना कि एक बॉल को तो फेंक रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 और एक को ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप इसको तो कर नहीं सकते, नीचे को ड्रॉप करूंगा नीचे गिर जाएगी, ऊपर कैसे जाएगी, इसी को ड्रॉप करेंगे तो एक वेलोसिटी 0 और एक 40. करो स्टार्ट, दो एक क्वेश्चन बनाओ. आ गया 11.5.
11.05 है, 11.025 है, हाँ 11.025 है, बिल्कुल सही। तो फिर नन कर देंगे मैंने, हाँ फिर नन कर देंगे, फिर सही कर सकते। अगर नन ना होता फिर अप्रॉक्सीमेटली 11.5 कर देते। तो देखो क्या किया, इनिशियली वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो, और इसकी 40, मान लो यहाँ मिले एक्स 60 माइनस एक्स, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स इज इक्वल टू 40t प्लस हाफ इंटू -9.8 इंटू टी स्क्वायर, और इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, 60 माइनस एक्स, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। इन्हें ऐड करेंगे ये कट जाएगा, यहाँ से टाइम आएगा, कितना आ गया टाइम, 3.3/2 1.5 आया, राइट। तो इस टाइम को जिस मर्जी क्वेश्चन में पुट करके क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो x की वैल्यू आई 48.97, कितने लोगों की आई 48.97, चलो जो भी आई 48.97 आई, लेकिन ये ऑप्शन में था नहीं। आप नन भी कर सकते थे इसके बाद, याद रखना मैंने इसमें डिस्टेंस नीचे ग्राउंड से निकाला है, क्या पता वो डिस्टेंस ऊपर से पूछता हो, उसे मेंशन ही नहीं किया। मैंने जो x निकाला वो तो ग्राउंड से निकाला कि ग्राउंड से उनकी टक्कर कहाँ होगी, पर क्या पता वो पूछता हो कि टक्कर का डिस्टेंस निकाल लो ऊपर से। तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, x की वैल्यू अगर 48.97 है तो ये भी निकाल लो, 60 माइनस 48.97 माइनस करके क्या आएगा, 48. माइनस करके आएगा 11.025। अगर ये ऑप्शन ये नहीं मैच करता तो इससे मैच करो, अगर दोनों नहीं करते फिर नन मार्क कर दो। वैसे नन पेपर में आता नहीं, मैंने खुद बनाया है, नन कभी आता नहीं है, एक ऑप्शन पक्का मिलेगा आपको। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको कि कैसे टेस्ट करना है, राइट। इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करना है हमने, इस क्वेश्चन के बाद ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ और सोचो क्या करना है। देखो बताता हूं, देखो सबसे पहले एक चीज समझ लो, इस क्वेश्चन के अंदर ये 28 गिवन नहीं है, ये तो हम निकाल लेंगे, इसको मत देखो। क्वेश्चन ये है कि एक पैराशूट से कोई बंदा बेल करता है फ्रॉम एरोप्लेन, एरोप्लेन रहने दो यार, हेलीकॉप्टर कर लेना, एरोप्लेन कोई रुकता नहीं है, वो चल रहा होगा तो सीधा उधर जाके गिरेगा, हेलीकॉप्टर खड़ा है तो सीधा सीधा जंप हो जाएगा तभी नीचे गिरेगा, चलते हुए प्लेन में जंप करोगे तो ऐसे गिरेगी बॉडी,
खड़े प्लेन कभी खड़ता नहीं, तो हेलीकॉप्टर कर लो। हेलीकॉप्टर में से बंदा जंप करता है और सीधा फ्री फॉल करता है, तो क्या करता है, बिना पैराशूट ओपन नहीं किया उसने, इनिशियल वेलोसिटी जीरो से जंप करते 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 एक्सेलरेशन 9.8 और 40 मीटर तक नीचे आता है, 40 मीटर तक नीचे आता है। क्या पॉइंट क्लियर है? तो 40 मीटर तक नीचे आया, फिर वो अपना पैराशूट ओपन करता है, तो 40 मीटर तक आता है, फिर पैराशूट ओपन करता है। पैराशूट ओपन करते ही उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पैराशूट ओपन करोगे तो स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। फिर रिटार्डेशन हो जाएगी, इसका मतलब स्पीड कम होने का, रिटार्डेशन होगी, स्पीड कम 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 करते 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 वो कह रहा है कितनी रिटार्डेशन हो रही है? 2। तो एक्सेलेरेशन इज -2, डी एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन, मतलब a = -2। इफ ही रीचेज ही ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 2, तो कह रहा है कि अगर वो ऐसे मूव करता है, अगर वो पैराशूट से पहले जंप करता है, पहले वो जंप करता है, यहां पे पैराशूट ओपन करता है, स्पीड स्लो करता है, ग्राउंड पे नीचे पहुंचता है विद अ स्पीड ऑफ 2, राइट? तो पिक्चर क्लियर है ये सारी? नहीं, वेलोसिटी कम हो रही है तो रिटार्डेशन है, वेलोसिटी वो तो फिर पैराशूट ओपन ही कर लिया ना, फिर तो एकदम ड्रास्टिकली स्पीड कम हो गई। तो मान लो ये जीरो है, तो इसकी स्पीड हम निकाल लेंगे v²-u²2as से, जो कि 28 आएगी, फिर 28 से, चलो फिर 28 से कम होती 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 2, तो रिटार्डेशन हुई ना। तो क्वेश्चन में गिवन है रिटार्डेशन कितनी है? -2। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ध्यान आगे देखो प्लीज। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें ध्यान से देखना, सॉल्व करने से पहले एक काम करते हैं, जब उसने पैराशूट ओपन किया तो उस केस में उसकी वेलोसिटी कितनी थी पहले वो निकालते हैं। तो ए बी पोर्शन के लिए ये देखो ध्यान से, इस ए बी पोर्शन के लिए लगा लेते हैं s = ut + 1/2 at² नहीं, ए बी के लिए ये क्यों लगाया? अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम लगा लेते हैं v²-, ये ज्यादा बेटर रहेगा, हम लगाएंगे इसमें v²-u² = 2 a (s). क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो यहां से सॉल्व करके जब v आएगा तो कितना आएगा? 28। क्या स्टेप क्लियर है? तो जब पैराशूट ओपन होगा तो उस टाइम उसकी स्पीड कितनी होगी? 28। कैलकुलेशन सॉल्व करके मान लो आ गया 28। उस आपको निकालना है वो कितनी देर हवा में रहा, ये टाइम निकाल लेंगे, ये टाइम निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, और उसने हवा में कितना डिस्टेंस कवर किया, 40+ ये डिस्टेंस निकाल देंगे, ऐड करके आंसर आ जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो एक काम करें, पहले यहां टाइम निकाल लें इसका, हमने वी तो निकाल ही लिया, यहां का टाइम भी निकाल लेते हैं। यहां के टाइम के लिए अप्लाई करो s = ut + 1/2 at², तो s कितने है? 40। तो 40 = 0 + 1/2 at² और फ्री फॉल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या? 9.8 × t². सॉल्व करेंगे टाइम की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ये आ जाएगी। इसको ध्यान से ट्रिक देखो, इसमें ट्रिक ये है, 2 से कट करोगे तो ये आएगा 40 and 4.9, 4.9 से डेसिमल हटेगा तो ऊपर क्या आएगा? 400। 400 का अंडर रूट क्या होता है? 20। 49 का अंडर रूट क्या होता है? 7। 20/7 टाइम आ जाएगा। तो आपको ये पता लग गया कि इस ऊपर वाली जर्नी में टाइम कितना आ गया? 20/7। यहां तक क्लियर है? ऊपर वाली जर्नी का डिस्टेंस आ गया, ऊपर वाली जर्नी का टाइम भी आ गया, कोई डाउट इसमें? डिस्टेंस भी आ गया और टाइम भी आ गया, क्लियर है? अब नीचे की जर्नी सॉल्व कर लें। नीचे की जर्नी के लिए बीसी के लिए है ना, बीसी के लिए अब बीसी के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 28। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 2। इनिशियल क्या होगी? 28। फाइनल क्या होगी? 2। रिटार्डेशन क्या है? -2। अप्लाई करो v²-u²2as, तो यहां से s आ जाएगा। ये देखो, इनिशियल वेलोसिटी 28, फाइनल वेलोसिटी 2, रिटार्डेशन -2। तो v²-u²2as में पुट करो, फाइनल वेलोसिटी कितनी? 2। इनिशियल कितनी? 28। एक्सेलरेशन कितनी? -2। सॉल्व करके s क्या आ गया? 195। अब मुझे एक बात बताओ, वो हवा में मूव करता है 40 मीटर और नीचे कितना मूव करता है? 195। तो ऐड कर दो 195 + 40, एक आंसर आ गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ गया दोनों का, कोई डाउट इसमें? टोटल डिस्टेंस में 40 तो गिवन ही था, नीचे का हमने डिस्टेंस निकाल लिया, ऐड कर दिया आंसर, कोई डाउट? अब मुझे क्या निकालना है? मुझे टाइम भी निकालना है। तो इस पोर्शन ऑफ टाइम के लिए अप्लाई करो v = u + at। v पता है, u पता है, एक्सेलेरेशन पता है, तो अप्लाई करो v = u + at। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है इसमें? 2। इनिशियल 28, रिटार्डेशन -2, टाइम आएगा 13.5 सेकेंड, 13.5 है।
तो टाइम आएगा 13.5 सेकेंड। तो ऊपर का टाइम हम निकाल चुके हैं 20/7 और नीचे का टाइम कितना आ गया 13.5। दोनों को ऐड करोगे नेट आंसर। आइडिया समझ में आ रहा है कि टोटल टाइम टेकन क्या होगा और टोटल डिस्टेंस कैसे होगा। तो आप अपनी जर्नी को दो हिस्सों में बांटेंगे, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, क्योंकि ऊपर एक्सेलरेशन 9.8 है, नीचे रिटार्डेशन -2 है। तो दोनों जर्नी को अलग अलग सॉल्व करके उनके टाइम एंड डिस्टेंस को ऐड करेंगे। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क लिखो। 10th होमवर्क है, 11th होमवर्क है, 12th करेंगे। चेक करो, 12th क्वेश्चन चेक करो। देखो इस क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन आपसे होगा नहीं अभी, आप प्लीज पहले क्वेश्चन समझो। अ पर्सन इज रनिंग एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। एक बंदा भाग रहा है विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, जोर लगा के भाग रहा है, इससे तेज वो भाग नहीं सकता, यानी कि वो अपनी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रखेगा, तेज हो ही नहीं सकती, तीन 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 के साथ भागता जा रहा है, ठीक, 3 मीटर पर सेकेंड। Along the length of the train to catch the hold of the door compartment, which is 2.5 meter from the door. सामने ट्रेन खड़ी थी उसकी लेंथ के अक्रॉस, सामने ट्रेन खड़ी है, मान लो मैं भाग रहा हूँ तो स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, सामने ट्रेन है 2.5 मीटर, मैं उसे उसके हैंडल को कैच करना चाहता हूँ, ट्रेन को पकड़ना चाहता हूँ, या फिल्मों में होता है वो एक्टर भाग रहा होता है और वो क्या ट्रेन पकड़नी है उसने, बिल्कुल वैसे ट्रेन चल पड़ी 2.5 मीटर दूर, देखा ट्रेन चल पड़ी, ट्रेन पहले किस पे खड़ी हुई थी, एट रेस्ट, रेस्ट, और वो क्या करती है एक्सेलरेट, एक्सेलरेट विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब स्पीड को क्या करती है इंक्रीज। बंदा अपनी 3 की स्पीड से भागता जा रहा है, ट्रेन चल पड़ी और वो ट्रेन को कैच करेगा, उसके आखिरी बोगी पे जाके उसको टच करेगा, हैंडल को कैच करेगा, कितने टाइम में कैच करेगा ये क्वेश्चन है। ठीक, आप सिर्फ इस पॉइंट को समझो कि सपोज करो, है ना, क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं थोड़ा डायग्राम के हिसाब से, ठीक है, देखो ये देखो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है, ये आपके पास एक ट्रेन है, ठीक है, और यहां पे, ठीक, यहां पे वो मैन है जो भाग रहा है विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड, एंड ये डिस्टेंस जब वो ट्रेन को देखता है तो ये डिस्टेंस कितना है 2.5 मीटर, ट्रेन किस पे एट रेस्ट, जैसे डिस्टेंस 2.5 है ट्रेन चल पड़ती है। अब जो ट्रेन चलेगी तो वो कैच यहां तो करेगी नहीं, है ना, कैच यहां क्या कर पाएगा,
तो ऑब्वियसली ये ट्रेन कहीं आगे जाके कैच करेगा वो, राइट? क्लियर है यहां तक? वो आगे जाके कैच करेगा, समझ में आ रहा है यहां तक? पहले वो यहां पे था। मान लो इस ट्रेन ने, इस ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कवर किया एक्स, ठीक। तो कोई मुझे ये बताएगा कि मान लो कि मैन ने ट्रेन को कैच कर लिया, तो मैन ने कितना डिस्टेंस कवर किया स्टार्टिंग से? 2.5 प्लस एक्स। देखो अगर ट्रेन खड़ी भी रहती तो मैन ने 2.5 तो कवर करना ही था, ट्रेन के चलने की वजह से उसको 2.5 प्लस एक्स एक्स्ट्रा कवर करना पड़ गया, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? ठीक। ट्रेन की एक्सलरेशन कितनी है? 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, राइट? अब मुझे सिर्फ एक चीज का आंसर दो, जो मैन है उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है? तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे मैन के लिए? S इज इक्वल टू, तो मैन ने डिस्टेंस कितना कवर किया बोलो? 2.5 प्लस एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी और कितने टाइम में? टी। तो मान लो मैन ने इसको कैच किया टी टाइम में, तो टी टाइम ने मैन ने इतना डिस्टेंस कवर किया, पर टी टाइम में ट्रेन ने एक्स कवर किया। टाइम टेकन दोनों का एग्जैक्टली सेम, बस यह है कि ट्रेन ने एक्स कवर किया, मैन ने 2.5 प्लस एक्स कवर किया। तो ट्रेन की इक्वेशन क्या बनेगी? अप्लाई करो, एस इज इक्वल टू क्या? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की जगह एक्स, इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0, हाफ, एक्सेलरेशन कितनी? 1 इंटू टी का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? एक काम करो, इस पूरी एक्स की वैल्यू को उठा के यहां पुट करो, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो आनी चाहिए, नहीं तो होगा नहीं। हाँ हाँ कर रहा हूं, कर रहा हूं, एक मिनट एक मिनट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मेथड समझ में आया? मैन के लिए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ट्रेन के लिए एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये देखो, मैन के लिए ये रहा, ट्रेन का ये रहा, ट्रेन का एक्स यहाँ पुट करके क्वाड्रेटिक जब सॉल्व करेंगे दो आंसर आएंगे 1 और 5, यानी कि मैन या तो 1 सेकंड पे इसको कैच कर पाएगा, अगर ट्रेन छूट गई तो 5 सेकंड में फिर से कर पाएगा। ऑप्शन में एक ही आंसर होगा, 1, आंसर 1 ऑप्शन में एक ही। दोनों कैसे होंगे? दोनों होंगे ही नहीं, बन चुका क्वेश्चन तो जो बनना था, ठीक है। तो छोटा टाइम मैच कर देना। क्या ये मेथड क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? ठीक। और ओके, आंसर 1 नहीं, देखो ऐसा है नहीं, एक जरूरी नहीं कि एक आएगा। मेरी स्पीड मान लो 3 की जगह 300 मीटर पर सेकेंड है, ट्रेन अभी चली है, मैं चाहूँ तो अभी कैच कर सकता हूँ उसे, पर मैं आगे चला गया, ट्रेन अभी मुझे ओवरटेक करेगी, फिर मैं दोबारा भी कैच कर सकता हूँ उसे। भाई दो बार हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? चांस मिल्स, अगर मेरी स्पीड ज्यादा है दो बार ऐसा चांस हो सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक। क्वाड्रेटिक बनी ना, तो क्या शो करता है कि मान लो जैसे 1 सेकंड पे मेरी स्पीड ना तेज होगी ना ट्रेन से काफी, जैसे मेरी स्पीड 300 मीटर पर सेकंड है, ट्रेन तो चली है अभी, या तो मैं अभी ट्रेन को कैच कर लूं, या 300 की स्पीड से ट्रेन मुझे भी ओवरटेक करेगी, तो ये एक्सेलरेट कर रही है ना, तो मैं लास्ट चांस है जब वो ओवरटेक कर रही होगी तब कैच कर लूं, दोनों में से एक, ठीक। तो यहां तक क्लियर है? इसके बेस पे अगर होमवर्क करना है, होमवर्क अगर करना है तो ऑब्जेक्टिव शीट में, ऑब्जेक्टिव शीट जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव शीट है उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 10 नहीं करना, आपने एक क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करना, एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं करना, 5 और 10 नहीं करना ऑब्जेक्टिव शीट 4 में, बाकी आपने ट्राई करने हैं, ठीक। जितने हो गए ठीक है, नहीं हुए कोई बात नहीं, क्लियर है? तो होंगे नहीं अभी, आप रहने देना, आप मत करना, बाकी करेंगे ट्राई। सब्जेक्टिव शीट का होमवर्क नोट करो, सब्जेक्टिव शीट जो है दिखाना, आज जो डाउट लेने हैं सब्जेक्टिव शीट नंबर 7 के लेने हैं, नहीं 8 के लेने हैं, सब्जेक्टिव शीट 8 के। 9th आपका होमवर्क है, तो एक आपका ऑब्जेक्टिव होमवर्क है, एक आपका 9th होमवर्क है, राइट? तो अब लिखने वाला काम समझ में आया कैसे होगा? क्लास में नहीं होगा ये, घर पे प्रैक्टिस होगी इसकी, इतना समय नहीं ना,
कि यहाँ बैठाएं, पढ़ाएं, सिखाएं, फिर प्रैक्टिस भी यहीं कराएं, फिर आप घर जाके मेरी हॉबी क्लास ज्वाइन करो भाई, होमवर्क करो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट है, मैंने कौन सी शीट दी थी होमवर्क के लिए? एट्थ होमवर्क, एट्थ। ओके, आप लोगों ने ट्राई किया होगा, इसके डाउट्स लेके इसको खत्म करते हैं आज, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर वन में डाउट किया हुआ था ये तो लास्ट टाइम हमने, वन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर टू में डाउट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थ्री में डाउट, थ्री भी क्लियर है, ठीक है, कर लिया था। ओ, क्वेश्चन नंबर फोर में डाउट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव में डाउट किए हैं, ट्राई हुए हो रहे हैं, कितने लोगों ने किए हैं, ट्राई किए हैं? क्वेश्चन नंबर सिक्स में डाउट हुआ था क्लास में तो, ठीक है, वो डाउट इसमें। क्वेश्चन नंबर सेवन में डाउट, ठीक है, अभी पूछ लो, डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करूंगा इससे वैसे। क्वेश्चन नंबर एट में डाउट, एट हो गया, एट डाउट। अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद 126 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड कितनी है 126 किलोमीटर पर, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में 35। इज ब्रॉड टू रेस्ट, तो वी क्या हो जाएगा इसका, जीरो। कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ कितना, 200 मीटर। केस क्लियर है, क्या निकालना है, कितना समय लगा उसको रोकने के लिए, टाइम निकालना है। तो आप क्या अप्लाई करोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं है। आप लगाना तो चाहते हो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, पर ये तो है ही नहीं। एक काम करो, आप इस इक्वेशन में अप्लाई करो पहले वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, तो वी स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर इज 2 इंटू ए इंटू कितना, 200। सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आई, माइनस 3.06, राइट? तो ये वैल्यू आ गई। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसमें, 35। एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है, माइनस 3.06 इंटू टाइम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो समझ में आया, एकदम टाइम नहीं आएगा, पहले आपकी रिटार्डेशन आएगी फिर आपका टाइम आएगा। कोई डाउट इसमें, आ गया आंसर, डन है, कोई मर्जी क्वेश्चन अप्लाई करो चलेगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, डाउट है, हाँ हाँ डाउट है। देखो इस क्वेश्चन में ये गिवन है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यू इज इक्वल टू जीरो, हैज अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एट एनी इंस्टेंट। तो कोई भी रास्ते में कोई इंस्टेंट ले लेते हैं, मान लो ये वो इंस्टेंट है, जब इसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 25/3। आफ्टर 2 सेकंड इट्स स्पीड इज 36 सेकंड, तो 2 सेकंड के बाद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10। फिर आफ्टर 2 सेकंड इसकी स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में 35/3। सब कुछ गिवन है। तो वो ये कह रहा है कि अगर वो ऐसे ही अपनी स्पीड बढ़ाती जाए, इसी पैटर्न पे स्पीड बढ़ रही है, तो लास्ट पार्ट है पहले एक्सेलेरेशन बोलो क्या है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने बी से लेके सी का पोर्शन ले लिया, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी, मैंने अप्लाई किया वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो आपको टाइम पता था, तो यहां से क्या आ गया, ए आ गया। फिर मैंने सी डी लिया, सी डी के लिए मैंने ये इनिशियल वेलोसिटी मानी, ये फाइनल मानी, टाइम टेकन यहां भी 2 सेकंड है, तो मैंने फिर अप्लाई किया v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो फिर से क्या आया, एक्सेलेरेशन आ गई। इधर भी एक्सेलेरेशन 5/6 है, इधर भी 5/6 है, और वो कह रहा है कि गाड़ी ऐसी स्पीड बढ़ाती जाएगी तो पूरी जर्नी में एक्सेलेरेशन क्या रहेगी, हमेशा 5/6। तो आखिरी पार्ट आ गया कि एक्सेलेरेशन पूरी जर्नी में शुरू से लेकर एंड तक क्या रहेगी, 5/6। कोई डाउट इसमें, एक आंसर पहले निकल गया, एक्सेलेरेशन आ गई। अब वो क्या कह रहे हैं कि
वॉट विल बी इट्स स्पीड एट 8 and 9 seconds आफ्टर दिस इंस्टेंट. ये इंस्टेंट वाला कौन सा पॉइंट है? ओ पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी की डी? कौन सा इंस्टेंट? बी. क्यों? मैंने आपको बोला था ना, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, एट एनी इंस्टेंट वो कह रहा है स्पीड 30 km/h. तो इंस्टेंट क्या है इसमें? बी. कह रहा है इस इंस्टेंट के 8 सेकेंड बाद आपको निकालनी है इसकी वेलोसिटी क्या होगी. एक्सेलरेशन तो पूरी जर्नी की 5/6 है. तो दो तरीके हैं. अगर आप इक्वेशन बी से स्टार्ट करते हो तो बी से लेके 8 सेकेंड बाद, मतलब आप इक्वेशन बी से स्टार्ट करते हो, आगे लेके जाते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर क्या पुट करेंगे? 25/3. एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट करेंगे? 5/6. और टाइम की जगह 8. तो क्या आ जाएगी वेलोसिटी? v आ जाएगी. कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो यहां से v कैन बी कैलकुलेटेड. लेकिन ऐसा भी हो सकता है 8 सेकेंड फ्रॉम दिस इंस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है. आप अपनी जर्नी पीछे से स्टार्ट कर लो, मतलब आप अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट करो, लेकिन आपको कहा गया इसके 8 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी है. तो मुझे पता है कि यहां से यहां, अगर मैं यहां से यहां का कंसीडर करूं इंटरवल, तो यहां का टाइम कैसे निकलेगा? इस पोर्शन के लिए वेलोसिटी इनिशियल पता है, फाइनल पता है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के टाइम आ जाएगा. तो यानी कि यहां से यहां आने में कितना समय लगा बॉडी को? 10 सेकेंड. तो अगर मैं इक्वेशन लगाता हूं 8 सेकेंड बाद b से, और मैं अपनी इक्वेशन स्टार्ट कहां से करता हूं? यहां से, जीरो से, जीरो से, तो बोलो मैं टाइम क्या लूंगा? 18 सेकेंड, क्योंकि 10 सेकेंड यहां से यहां और इसके 8 सेकेंड बाद निकालना है. लेकिन जरूरत क्या है? हम सीधा यहीं से निकाल दें, तो यहां से निकाल लेते हैं बी पॉइंट से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. फिर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, इनिशियल क्या होगी? 25/3. तो एक्सेलरेशन 5/6 और टाइम क्या पुट करेंगे? 8 आंसर. और 9 सेकंड के लिए टाइम क्या पुट करेंगे? 9. तो दो आंसर और आ गए, राइट? समझ में आ रहा है लॉजिक क्या करना है? और नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्स, हां, व्हाट वाज इट्स स्पीड 4 सेकंड बिफोर इट्स स्पीड वाज 30. तो जब इसकी स्पीड कितनी है यहां पर? 30. यहां से यहां 10 सेकंड है, इसके 4 सेकंड पहले इसकी स्पीड निकालनी है क्या होगी. तो आप अब इस पूरी जर्नी में लगा सकते हैं वी स्क्वायर, नहीं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि टाइम आपको 4 पता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जब यहां पे लगेगा, ये देखो ये रहा, तो जैसे 4, ये वेलोसिटी 25/3 है, 4 सेकंड पहले वी डैश है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहां से स्पीड आ जाएगी. आपको आइडिया क्लियर है कि क्वेश्चन का करने का क्या स्टाइल रहेगा? कॉन्सेप्ट जरूरी है, मैं बता रहा हूं पकड़ना कैसे कॉन्सेप्ट करना है. कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने लोगों को डाउट है? देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैंने आंसर जो है क्या दे दिया? डिस्प्लेसमेंट का दे दिया, जबकि आंसर कितना आ रहा है? 50 मीटर आ रहा है इसमें आंसर. कैसे? डिस्टेंस निकालना है, वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्टेंस देता है. तो यहां का एरिया प्लस यहां का एरिया प्लस यहां का एरिया, सब पॉजिटिव एरियाज, ऐड करोगे डिस्टेंस आएगा. डिस्प्लेसमेंट में यहां का एरिया माइनस यहां का एरिया प्लस यहां का एरिया, तो डिस्प्लेसमेंट 30 आएगी, डिस्टेंस ज्यादा आएगा 50 आएगा. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? डिस्टेंस में सारे एरिया पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट में जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव लेना है. क्लियर है यहां तक? ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने को डाउट है? डाउट है? डाउट है? देखो कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ है. वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है? एक्सेलरेशन. वो कह रहा है एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा किस पोर्शन में है? एक एक करके सॉल्व करते हैं. पहले ये पोर्शन लेते हैं, इस पोर्शन की स्लोप निकालते हैं. बोलो क्या होगी? दिस हाइट 20/2, 10. इसकी स्लोप 0, एक्सेलरेशन 0. इसकी स्लोप दिस हाइट, ये हाइट कितनी है? 60 - 20/1, राइट? और ये रिटार्डेशन तो लेना ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा कितनी है? 40 आंसर, राइट? क्लियर है? तो स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी, आंसर. कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट, 12 में देखो इस क्वेश्चन को करने की बड़ी सही टेक्निक है. वो ये कह रहा है कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है? ये गलत, ऐसे नहीं है.
वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, वो एक्सेलरेट होती है. इनस्टेड कि मैं इक्वेशन से इसको सॉल्व करूं, मैंने ग्राफ से सॉल्व कर दिया, दो लाइन में आ गया. मैंने कौन सा ग्राफ ड्रॉ किया? वीटी ग्राफ. मैंने कहा बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो वी इज इक्वल टू जीरो, और फिर वो एक्सेलरेट करती है विद एल्फा, कॉन्स्टेंट एल्फा, तो स्लोप स्ट्रेट लाइन, तो एल्फा एक्सेलरेशन है. फिर वो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करती है, फिर ब्रेक अप्लाई करती है और रेस्ट पे आ जाती है रिटार्डेशन. तो ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन अल्फा, नीचे वेलोसिटी कम करते हुए बीटा. क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल जर्नी का टाइम कैपिटल टी सेकंड है. टोटल जर्नी कैपिटल टी सेकंड की है. आपको निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है. मान लो ये क्या है इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी. मुझे बताओ वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है एक्सेलरेशन. तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी है अल्फा. अल्फा क्या होगा? हाइट. हाइट कितनी है? वी मैक्स अपॉन टी वन. मान लो एक्सेलरेशन कितनी देर के लिए होती है टी वन, और रिटार्डेशन कितनी देर के लिए होती है टी टू. पर हमें टी वन टी टू खुद एज्यूम किया है, वैसे क्या गिवन है? टोटल टाइम कैपिटल टी. वैसे टोटल टाइम कैपिटल टी गिवन है. तो यहां से यहां टी वन टाइम है, तो क्या आएगा? अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन क्या होगी? स्लोप. स्लोप बोलो क्या है? वी मैक्स अपॉन टी वन. और यहां पर स्लोप क्या है? बीटा. बीटा इज इक्वल टू क्या? वी मैक्स अपॉन टी टू. क्लियर है यहां तक? तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? वी मैक्स बाय टी वन, और बीटा क्या होगा? वी मैक्स बाय टी टू. कोई डाउट इसमें? तो देखो यही किया मैंने, अल्फा इज इक्वल टू वी मैक्स बाय टी वन, बीटा इज इक्वल टू वी मैक्स बाय टी टू, और बीटा वी मैक्स बाय टी टू. इस इक्वेशन से टी वन एक तरफ, इस इक्वेशन से टी टू एक तरफ, लेकिन टोटल टाइम क्या है? टी. इस टी वन को यहां पुट किया, इस टी टू को यहां पुट किया, कॉमन क्या आ गया? वी मैक्स. एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी मैक्स. आंसर क्या? सही टेक्निक है. ग्राफ बनाया, अल्फा बीटा लिया, टी वन टी टू निकाला, अल्फा लिया बीटा लिया, टी वन टी टू निकाला, टोटल टाइम टी को लिखा टी वन प्लस टी टू, टी वन टी टू में वैल्यू पुट की, वी मैक्स कॉमन आंसर. क्लियर है यहाँ तक? और फिर वो कह रहा है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालो. मुझे ये बताओ वी टी ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट. एरिया क्या होगा बोलो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस कितना है इसका? कैपिटल टी. और हाइट कितनी है इसकी? वी मैक्स. तो क्या आएगा? हाफ इंटू वी मैक्स इंटू टी. वी मैक्स हम निकाल चुके हैं, यहां से यहां पुट कर दो आंसर. ऐसा क्या सही टेक्निक है? हाँ, अगर आप इक्वेशन से सॉल्व करोगे क्वेश्चन लंबा है, फिर पता नहीं क्या करना पड़ेगा, पर यह सबसे सही ट्रिक है इसका. पॉइंट सबको समझ में आया यहां तक? कोई डाउट इसमें?